आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद में कुछ तमाम खबरों की ओर। और सबसे बड़ी खबर रायसेन से आपको बताने जा रहे हैं। रायसेन मध्य प्रदेश की एक ऐसी खबर जहां आपको बता दें कि गर्ल्स हॉस्टल का एक मामला सामने आया जहां पर 87 छात्राएं फेल हो गई और 2 छात्राएं सप्लीमेंट्री भी। आखिर क्या राज है कि एग्जाम में बैठने वाली गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एग्जाम में बैठने वाली 87 छात्राएं फेल हो गई, 2 सप्लीमेंट्री आ चुकी है। इस पूरे राज की कहानी को जानने के लिए आवाज न्यूज के संवाददाता पहुंचे। यहाँ बच्चियों ने कई समस्या बताई। उन्होंने कहा यह एनसीसी टीचर नहीं है, यहाँ खेल का सामान मिलता नहीं है, कैंटीन यहाँ है नहीं है, और भी कंप्यूटर क्लास की बहुत दिक्कत है। इसके बाद हम यहाँ मिले प्रिंसिपल से, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। कुल मिला के वो बजट का रोना रोती रही और यहाँ पे पूरे बच्चे परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई भी अनहोनी होती है उसके लिए कोई जिम्मेदार होगा? मैं राकेश जैन रायसेन। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीषा गौर है। क्या परेशानी है आपको? सर हमारी समस्या ये है कि हमारी एनसीसी अभी 2 साल से बंद कर दी गई थी, जिसके लिए हमने कलेक्ट्रेट में 2 बार आवेदन दे चुके हैं, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई स्थायी टीचर ना होने के कारण हमारी एनसीसी 2 साल से बंद कर दी गई, और जो 1 साल का गैप हमारा हो चुका है जिसमें हमारा बी सर्टिफिकेट पेपर होना चाहिए था, लेकिन अब इस साल की डेट आ चुकी है जिसकी फॉर्म बी सर्टिफिकेट फॉर्म की लास्ट डेट 11/12/2023 है, पर अभी तक कोई चार्ज नहीं लिया गया है कि उसमें हमारा फॉर्म भरा जाएगा। कि एनसीसी के कोई टीचर नहीं है और इनको एनसीसी नहीं सिखाई जाती, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, एनसीसी के लिए शासकीय कन्या महाविद्यालय में 2021 अगस्त में जी हमारे श्रीमती रचना वर्मा मैडम थी जो एनसीसी देख रही थी, उनका स्थानांतरण भोपाल के MLB कॉलेज में हो गया था और इस कारण से हमारे जब से पद रिक्त है। उसके बाद एनसीसी कार्यालय को हमने 2 और हमारे यहाँ महिला प्राध्यापक हैं, क्योंकि महिला इकाई है इसलिए महिला ही ANO बनेंगी। 2 महिलाएं हैं हमारे यहाँ, जिसमें से एक की आयु 61 ईयर है और दूसरे की आयु 57 ईयर है। उन दोनों के नाम हमने भेजे हुए हैं 4 बटालियन को, लेकिन दोनों का ही उन्होंने रिजेक्टेशन कर दिया है। इसके साथ हमने एक प्रस्ताव और रखा था छात्राओं से कि हम जनभागीदारी से एक किसी मतलब बाहर से जो NCC सीनियर क्रेडिट है उसको रख लेते हैं और उसके माध्यम से NCC चलाएंगे, पर उसके लिए भी हमको वहाँ 4 बटालियन से ही परमिशन लेना होगी। उसके लिए हमने पत्र लिखा हुआ है, परंतु उनका उसमें कोई उत्तर हमारे पास नहीं आया है सहमति का कि आप इस तरह से रख लीजिए। तो जब तक महाविद्यालय में कोई 40 वर्ष से कम आयु या 45 वर्ष से कम आयु की महिला नहीं होगी, तब तक NCC जो है यहाँ पर संचालित नहीं हो पाएगी।